आज का विषय है गणित। गणित के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे महत्तम समा वर्ग यानी मासा पा महत्तम समा वर्ग तथा ला सा पा लघुत्तम समा वर्ग। सबसे पहली बात आती है मासा पा की, महत्तम समा वर्ग। यह किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं की वह संख्या जिसका मान उन दोनों संख्याओं में पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए, या कह सकते हैं कि यह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। दो संख्याओं का मासापा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। इन दोनों रीतियों के माध्यम से हम मासापा की संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि यानी दी गई संख्याओं के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड का सीधा सीधा तात्पर्य होता है उन संख्याओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, हो जिन्हें हम अपवर्त कहते हैं। सपोज दैट जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें 25 और 50, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका हमें मासा ज्ञात करना है, मासापा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 25 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। सामान्यतः जिन संख्याओं के पीछे अंक 5 या 2 होता है उन संख्याओं को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 से विभाजित करने पर वो पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। उसी नियम को देखते हुए हम 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 25, 5 का भाग 5 25, फिर 5 एकम 5, ये विभाजित हो गए 5 × 5 यानी 25 के गुणनखंड हो गए हमारे 2, 5 × 5। ठीक इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि दूसरी संख्या हमारे पास है 50, 50 को भी हमें विभक्त करना है दो भागों में या उसकी गुणनखंड करने हैं, तो हम अंत में संख्या को देखेंगे, 0 आ रहा है। 0 आने पर यह प्रकट होता है कि यह संख्या 2 से या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 और 2 से पूर्णतः विभाजित होने पर हम इसको मिनिमम अंक देंगे, 2 से विभाजित करेंगे कितने बार, 2 × 4 = 1 × 2 = 5 = 10, 25 बार यह विभाजित हो जाएगी। जब 25 बार विभाजित होगी तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, अंत में 5 है तो उसी नियम को फॉलो करेंगे, 0 और 5 वाली संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो 5 से इसको भाग देंगे 5 25, फिर एक बार और जा रहा 5 एकम 5 यानी 25 50 के जो गुणनखंड थे वो हो गए हैं 2 × 5 × 5। अब हमारे पास दी गई दोनों संख्याओं के अपवर्त ज्ञात हो गए हैं, 25 के 5 × 5 और 50 के 5 × 5 × 2। अब इनका हमें क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है गुणनखंड की रीति से। जब हम मासा ज्ञात कर रहे होंगे तो गुणनखंड रीति से ज्ञात करने पर हम इनकी कॉमन पद्धति को देखेंगे। इन दोनों में जो वाई नेस्टर्स को कॉमन ले लेंगे, यानी एक आ गया 5, इन दोनों का एक पेयर बन गया 5। 2 इसके पास है परंतु इसके पास नहीं है, इस दृष्टि के कारण इसमें से इसको कॉमन नहीं ले सकते, उभयनिष्ठ ज्ञात नहीं कर सकते इसका। तो गुणनखंड के रूप में 5 × 5 = 25, ये वह संख्या है जिसका भाग 25 और 50 में दिया जा सकता है, और यह वह बड़ी से बड़ी संख्या भी है जिसका भाग हम 25 और 50 में दे सकते, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग पूर्णतः 25 और 50 में चला जाए। यह विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। इसी तरह हम भाग विधि के माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मासापा भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं मासापा, दो संख्याएं जो हमें पहले से उदाहरण में हमने ली हैं 25 और 50,
इन दोनों संख्याओं में से हम उस सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कर लेंगे जो इन दोनों में छोटी है, 25 और 50। 50 और 25 में जो छोटी संख्या है वो है 25। इस छोटी संख्या का भाग देंगे हम बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या यानी 50। 25 का भाग दिया 50 में, कितने बार जा रहा है? दो बार, 25 दूनी 50। पूर्णतः विभाजित हो गया, जो लेफ्ट साइड में हमने जिससे भाग दिया वही भागफल, भागफल इसका उत्तर ना होगा, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं वही इसका परिणाम होगा। तो मासापा क्या निकला? 25। तो ये दो रीतियां हैं जिनकी सहायता से हम किन्हीं भी संख्याओं का मासापा ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड रीति और भाग रीति। ऐसा भी संभव है कभी कभार हमें दो से अधिक संख्याओं का भी मासा ज्ञात करने को आता है, दो से अधिक संख्याओं को भी मासा ज्ञात हम गुणनखंड रीति से भी कर सकते हैं और भाग रीति से भी कर सकते हैं। जैसे एक है 8, 24, 48, इन तीन संख्याओं का हमें मासा निकालना है, मासापा ज्ञात करना है भाग रीति से। तो इन तीन जो संख्याएं हमारे सामने प्रदर्शित हैं, इन तीन संख्याओं में से हम दो संख्याओं को लेंगे, उन दो संख्याओं में से एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या, छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देंगे, छोटी संख्या हमारी 8 का भाग देंगे 24 में, 8 का भाग किसमें देंगे 24 में, 8 का भाग 11, 8 3 24, पूर्णतः विभाजित हो रहा है 3, 24। ठीक, हमारा इन दोनों संख्याओं में से मासा कितना निकला? 8। जो 8 संख्या हमारा मासा निकला उसका भाग देंगे हम तीसरी संख्या जो हमारी 48 है, 8 भाग 48, 8 6 48, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये जो 8 है हमारा इन तीन संख्याओं का मासापा है। इस प्रकार हम भाग विधि के माध्यम से बच्चों को आसानी से दी गई संख्याओं में से बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना सिखा सकते हैं। इन सभी संख्याओं को उपयोग हम बड़े बड़े सवालों में भी होता है, पद्धतियां ज्ञात करने में भी होता है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए भी होता है। ये कक्षा 5 से हम सिखाना शुरू करते हैं और उनका उपयोग उच्चतम कक्षाओं में होता रहता है। भाग विधि के माध्यम से हम जो मासापा ज्ञात कर रहे हैं उतना ही आसान है जितना कि गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा स्टेप आता है लासापा, यानी लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकलती है इसमें वह छोटी से छोटी संख्या निकलती है जिसका भाग हम दिए गए पदों में पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8, 12, 16, ये तीन संख्याएं हैं, इन तीन संख्याओं में हमें ज्ञात करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसकी सहायता से इन तीनों अंकों को विभाजित किया जा सके, तब हमें यहाँ पर लासा ज्ञात करना होगा। लासा ज्ञात करने के लिए हम दिए गए तीनों को एक समूह के रूप में लिखते हैं, तीनों संख्याओं के प्रत्येक के बीच में कौमा का प्रयोग करते हैं और एक ऐसी संख्या को तलाशते हैं जिसमें से अधिकतम संख्याएं विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, 8, 12 और 16। तो न्यूनतम संख्या तलाशते हैं, तो 2 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 8 को विभाजित कर सकते हैं, 12 को विभाजित कर सकते हैं और 16 को भी विभाजित कर सकते हैं। 8, 2, 3, 12 और 2, 8, 16 इस रीति से विभाजित किया। अब हमने इसको फिर से विभाजित हो सकता है, ये 2, 4, 2, 3, 6, 2, 8। अब इन पदों में कोमा में ये प्रतीक अलग अलग पद में अलग अलग संख्या है, इसमें हम फिर से विभाजित कर रहे हैं 2 से 2, 1, 2, 3 में फिर से विभाजन किया था तो एक पूरी की पूरी संख्या हम लिख देंगे और 4 में 2, 4। या फिर इसको हम यहीं पर छोड़ दें और गुणनखंड के रूप में 3 और 2 को साथ में लिख दें, अन्यथा इसका पूरी तरह विभाजित करके समान को अंत तक ले जाए, अंत तक ले जाएंगे तो हम 2 से 1 बार फिर इसको विभाजित कर दें,
दो का भाग एक में जाता नहीं, तो एक पूर्णांक निर्गत रखा जाएगा, तीन में भाग जाता नहीं है पूर्णांक, तो तीन को एज इट इज रख दिया जाएगा, और दो का भाग देंगे दो एकम दो जाएगा। अब एक तीन ऐसा पद बचा जिसकी सहायता से हम इस सवाल को समाप्त करेंगे, एक तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। जब हमारे अंतिम पद में एक 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 कॉमा आ जाए वही हमारा सवाल गुणनखंड के लिए समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम दी गई संख्याओं में जितने पद आए हैं उन सबको गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो और गुणा तीन, इन सबको लिख कर इनके गुणन करेंगे। तीन दुनी छह, छह दुनी बारह, बारह दुनी चौबीस और चौबीस दुनी, इस प्रकार से 48 एक ऐसी संख्या हो गई जिसे हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। इन संख्याओं को से यह पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, इससे और बड़ी भी संख्या है तो इनके माध्यम से विभाजित हो जाएगी, परंतु इन तीन संख्याओं में सबसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 48 होगी। 8 का भाग हम 48 में देंगे तब भी चला जाएगा, 12 का भाग 48 में देंगे तब भी चला जाएगा, 16 का भाग 48 में देंगे तो भी चला जाएगा। 8, 12 और 16 में से विभाजित होने वाली 48 सबसे छोटी संख्या है, 48 से कोई छोटी संख्या नहीं होगी जिनके जिसको हम 8, 12 और 16 से विभाजित कर सके। आज के लिए इतना ही, कल हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।